Okay, so we'll start again. So रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स में बेसिक्स साइंस को डिवाइड किया गया चार पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4, हाँ 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12. तो 1, 5, 9 है फायर. फायर क्या है कि फायर ना बेसिक रिक्वायरमेंट है. फायर का एलिमेंट बहुत कम है बॉडी के अंदर, पर ये फंडामेंटल है. अगर आपका फिजिकल बॉडी ठीक नहीं है ना, आपके पास कुछ भी हो, बाकी कितना भी साइंस के अंदर कितने भी अच्छे प्लांट्स बैठे हो, फायर साइंस अगर खराब है, फिजिकल बॉडी अगर खराब है, आपको लाइफ में खुशी नहीं मिलेगी. ये एब्सोल्यूट बेसिक्स है. जब आपके पास फिजिकल बॉडी हो बहुत अच्छी, उसके बाद सेकेंड लेवल आता है आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप मेहनत कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं और आपके पास काम करने के लिए है. ये लाइफ का सेकेंड लेवल है. ज्यादातर लोग आपको लाइफ में ना 90% लोग 1 और 2 पे मिलेंगे. फिजिकल बॉडी अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, रिसोर्सेज है. उसके बाद आते हैं तीसरे लेवल के लोग, इंटेलेक्चुअल्स, पोएट्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, जो हर काम को अपने क्राफ्ट की तरह करते हैं, जिनके लिए काम काम नहीं है. चाहे वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो इतना खो गए अपने काम के अंदर कि वो लेवल 2 पे काम ही नहीं कर रहे. वो कह रहे हैं मेरे को लेवल 2 से लेना देना ही नहीं सर, मनी इज अ सेकेंडरी थिंग नाउ बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर समथिंग एल्स. वो वर्क किस चीज के लिए कर रहे हैं? वो वर्क कर रहे हैं कि मजा आना चाहिए काम करने. हम जो कर रहे हैं वो एक्सट्रीम क्राफ्ट पे जाते हैं, उनकी हर एक चीज परफेक्शन के ऊपर है. तो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं. मतलब मैं एक क्रिमिनल लॉयर से मिला कुछ हफ्ते पहले, एंड वो सरप्राइज द ब्रिलियंस ही क्या रीज. मतलब आप ज्यादातर लॉयर से मिलते हैं आपको नेगेटिविटी फील होती है, बट ही वॉज वन ऑफ द लॉयर्स, द काइंड ऑफ ब्रिलियंस ही प्रोसेस, बिकॉज उसके लिए वो आर्ट है. जब ये 3 लेवल हो जाए ना, लेवल 3 भी आके ना बहुत लोग रुक जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है इंटेलेक्चुअलिज्म ही सब कुछ है, बुक्स ही सब कुछ है. उसके बाद का जो चौथा लेवल है ना, वो सिर्फ सेंट्स को मिलता है. वो जो फोर्थ लेवल है ना, वो सिर्फ रिलीजन दे सकता है, वो कोई और चीज दे नहीं सकती. और वो है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशनल हैप्पीनेस. ये 4 लेवल्स आपके चार्ट में, आप देखिए इनमें से कहां पर आके मैलेफिक्स बैठे हैं. आप कभी भी रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं ना, लुक कौन से साइन में इसका सबसे ज्यादा मैलेफिक्स है. एयर साइन में है, फायर साइन में है, कैंसर ट्राइन्स में है. जिस जो भी जगह पे आ रहे होंगे, उन जगहों पर उसको हैप्पीनेस नहीं है, वो लैक करता है. उसी तरीके से प्लैनेट्स भी इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब जब हम बात करते हैं ना रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स की, तो रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है? रेट्रोग्रेड प्लैनेट ना अपने आप में वक्र एनर्जी लेके बैठा है, एक्सट्रीमली ऑब्सेसिव एनर्जी लेके बैठा है. क्योंकि ना जो एग्जॉल्शन और डेबलिशन है ना, वो हाईली ओवररेटेड है. वो पुराने टाइप के पंडित जी बोलते हैं ना, आपका तो मंगल उच्च है, आपका तो शुक्र उच्च है, लेकिन दैट इज ओनली वन टाइप ऑफ स्ट्रेंथ. वो तो एक ही तरीके का स्ट्रेंथ है. उसके बाद उसका स्थान बल है, काल बल है, नैसर्गिक बल है, चेष्टा बल है, दिग बल है, दृक बल है. वो सारे बल तो आप देख नहीं रहे. एक्वेरियस असेंडेंट के लिए शुक्र का ऊंचा हो जाना खराब है, उसका योग कारक है वो. एक्वेरियस असेंडेंट का आप ना अभी कभी देखो, एक्वेरियस असेंडेंट वाले जितने भी चार्ट निकालो और देखो, अगर वीनस एग्जॉल्टेड है तो क्या वो अपनी लाइफ में खुश है? वीनस के सिग्निफिकेशंस को लेकर आपको वो सारे के सारे लोग परेशान मिलेंगे, क्योंकि आपने उसका सिर्फ एग्जॉल्शन देख लिया है. आपने ये देख लिया कि वो तो ऊंचा बैठा है, उसके बाकी जो ग्रह, उसके बाकी सारे जितने भी बल हैं उनको आपने कभी देखा है गौर से?
तो कभी भी ग्रह को छह तरीके के बल में से एक बल से मत तोलिए, नहीं तो आप ना वो पंडित जी बन जाएंगे, कहेंगे कुंभ राशि, कुंभ लगन और शुक्रोच, आपका तो राजयोग की दशा आने वाली है, अरे ये दशा बहुत खराब जानी है, मत मत लो उससे पंगे, आपको उसके सारे के सारे बल देखने। तो उसी में एक बल है चेष्टा बल, चेष्टा मतलब एफर्ट्स, कोई ग्रह कितना एफर्ट डालेगा, क्या वो मेहनत करवाएगा, करेगा नहीं करेगा, चेष्टा बल, और अगर नहीं करेगा तो कहां दिक्कत करेगा, जरूरत से ज्यादा करेगा तो कहां करेगा। रेट्रोग्रेड प्लांट्स के लिए ना मेरे पास एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो प्लांट्स आगे बढ़ रहे होते हैं उनके बारे में हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, जो प्लांट्स पीछे जा रहे होते हैं उनसे हम देखते हैं कि पास्ट में आके क्या करने वाला है, ये कौन सी गलती सुधारने वाला है। और जो ग्रह स्तंभी हो जाते हैं, स्तंभी मतलब रुक जाते हैं एक जगह पे, वो इसी लाइफ में हर वक्त हर मिनट आपके साथ चलते हुए रिजल्ट्स देते हैं। ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है वक्री ग्रहों को लेके। अगर आपको कभी भी वक्र एनर्जीज को समझना हो तो आप कभी भी भगवान शिव को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वक्र उन्हीं का नाम है। वक्र का एक मतलब है क्रुद्ध, ऐसा कोई ग्रह, ऐसा कोई एनर्जी जो नॉर्मल नहीं रही, अब वो एनर्जी ना आपको बहुत अलग तरीके से रिजल्ट देगी। और जब कोई इंसान वक्र हो जाता है, जब कोई ग्रह वक्र हो जाता है, वो अपनी सारी की सारी ताकत लगा के जिस जिस चीज को वो रूल कर रहा होता है उसको वक्र तरीके से ही दिखाता है। ये ऐसा है कि मैं किसी भी इंसान को ना स्पेशल बनना हो तो वो अपने सिग्निफिकेशंस को स्पेशल तरीके से डिलीवर करता है। मैं अभी सिखा देता हूं आपको, हाथों हाथ सिखा रहा हूं। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के दो फेसेस भी हैं, हर प्लैनेट के दो साइन दिए गए, सन मून एक पेयर बनते हैं, राहु और केतु दूसरे पेयर बनते हैं, मरकरी के दो साइन वर्गो एंड जेमिनाई, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मार्स, टॉरस एंड लिब्रा, वीनस, एक पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव साइन है, लिब्रा पॉजिटिव, वर्गो नेगेटिव, एरीज पॉजिटिव, स्कॉर्पियो नेगेटिव, जेमिनाई पॉजिटिव, वर्गो नेगेटिव, कैंसर नेगेटिव, लियो पॉजिटिव, स्कॉर्पियो केतु नेगेटिव, एक्वेरियस राहु पॉजिटिव, ये एक पेयर बनता है, सेजिटेरियस पॉजिटिव, पाइसिस नेगेटिव, कैप्रिकॉन नेगेटिव, एक्वेरियस पॉजिटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया। आप एरीज में पॉजिटिव लगाइए और सीक्वेंस में चलते जाइए, आपको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएगा। किसी भी दशा के अंदर कोई भी ग्रह अपना पॉजिटिव रिजल्ट अपने पॉजिटिव साइंस के थ्रू देता है और नेगेटिव रिजल्ट्स नेगेटिव साइंस के थ्रू ही डिलीवर कर पाता है। जैसे आउटलेट्स है ना, जैसे दो आउटलेट आप बनाते हैं ना, एंट्री एंड एग्जिट्स, उसी तरीके से प्लैनेट्स की भी एंट्री एंड एग्जिट्स है। किसी भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट को भी पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दो रिजल्ट्स डिलीवर करने हैं, कोई भी ग्रह ना एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं जाएगा, अंटिल अनलेस वो बिल्कुल ही नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि बताता हूँ, वीनस 28 डिग्री के आसपास का हो अर्धी साइन में, ध्यान से सुनना सूत्र को, हाँ ये बहुत काम आएगा लाइफ में, ये हर एक प्लैनेट के लिए एप्लीकेबल होगा। वीनस 28 डिग्री का हो अर्धी साइन में, मैलेफिक्स से हेम्ड हो जाए, मार्स उसको देख ले आसपास की डिग्रीज में, ये दशा एक्सट्रीमली खराब जानी है, ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होते हैं जब इंसान के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता, पर मोस्टली कोई भी ग्रह अपनी दशा में पॉजिटिव और नेगेटिव दो रिजल्ट के रिजल्ट देता है। पॉजिटिव देता है वो पॉजिटिव हाउसेस के थ्रू, नेगेटिव देता है वो नेगेटिव हाउसेस के थ्रू। अब मास अगर रेट्रोग्रेड हो रहा है किसी के चार्ट में तो पहली चीज वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है एरीज के थ्रू, कि हाँ ईगो बढ़ा रहा है, इंसान लगातार जम जा रहा है, पागल हुआ पड़ा है अपनी बॉडी को बनाने के लिए, एरीज तो बढ़ा रहा है ना, वो नेगेटिव क्या बढ़ा रहा है, स्कॉर्पियो को बढ़ा रहा है, स्कॉर्पियो क्या है, बॉडी का एंड होना है, उसको यही नहीं पता कि वो इतना वो खाने लग जाता है, जस्ट मतलब मास रेट्रोग्रेड के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये बॉडी बिल्डर के चार्ट में है, तो वो इतना टेस्टोस्टेरोन खा रहा है, वो इतनी वो ड्रग्स ले रहा है उसको बॉडी को बढ़ाने के लिए, इवेंचुअली क्या हो रहा है,
स्कॉर्पियो ना सेक्सुअल हाउसेस भी हैं। आपको पता है जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वो इतने ड्रग्स ले रहे होते हैं और वो इतना ज्यादा वो लेना चालू कर देते हैं कि उनका स्कॉर्पियो खराब हो जाता है। इन लॉस फाइट तो होगा ही होगा ना उसके बाद सर, वो तो उसका रिजल्ट है। मैं आपको भी बता रहा हूँ कि बॉडी में क्या कर रहे हैं, आप बॉडी बढ़ा रहे हो तो उसका एक रिजल्ट ये भी है। शुक्र में रेट्रोग्रेड में अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट ये दिखा रहा है कि मैं फ्लैम बॉयंट हूं, आगे जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, तो नेगेटिव रिजल्ट कहां पे आ रहा है? रिसोर्सेस पे पैसा खर्च कर रहे हो ना सर आप, उसके बाद फिर फैमिली लाइफ भी तो डिस्टर्ब कर रहे हो आप अपनी, आप अपना बेस भी तो छोड़ रहे हो। ये किसी भी उसके लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए फिफ्थ और सेवेंथ का एक्सचेंज हो जाए, सेवेंथ या नाइन्थ का एक्सचेंज हो जाए। अच्छा राजयोग क्लासिक्स की पता है क्या, भी ढंग से पढ़ना बीपीएचएस को। क्लासिक्स पता है क्या बोलते हैं? क्लासिक्स बोलते हैं केंद्र और त्रिकोण का अगर एक्सचेंज हो तो ये राजयोग है, यही बोलते हैं ना क्लासिक्स आपके। फोर्थ और फिफ्थ का एक्सचेंज हो जाए तो, नाइन्थ और टेंथ का एक्सचेंज हो जाए तो फिफ्थ हाउस पुण्य है, जितना भी पुण्य कमा के लेके आए ना वो फिफ्थ हाउस में बैठा है, जो भी प्लैनेट फिफ्थ हाउस में है वो पुण्य के वजह से बैठा है। वो फोर्थ के साथ एक्सचेंज करवा दो तो पुण्य की वजह से घर मिलता है, फोर्थ और फिफ्थ का एक्सचेंज। नाइन्थ और टेंथ का एक्सचेंज करवा दो फादर के पुण्य की वजह से, या फादर की वजह से, फादर ने मेहनत करी होगी उसकी वजह से आपका नाम मिलेगा टेंथ हाउस, नेम एंड फेम, प्रोफेशन मिलेगा आपको लाइफ में बहुत अच्छा फादर के पुण्य की वजह से। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि एक्सचेंज हो गया, ये राजयोग है, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ में बैठा हो, आपको पुण्य की वजह से इन लॉज अच्छे मिलेंगे। आपका पुण्य किसको जा रहा है, किस लिए खराब है? आपका पुण्य कहाँ गया? जितना पैसा कमाया वो कहाँ गया? आपका सारा पुण्य इन लॉज के पास चला गया। अब आपका जो कर्म है ना इस लाइफ में, पेंडिंग कर्म जिसको बोलते हैं, तुमको वो टेक्निक सिखा रहा हूं, कहीं किताब में नहीं मिलेगी। एक्सचेंज दुनिया पढ़ती है, हम लोग पढ़ते थे, सब किताबों में पढ़ा, पर एक दिन ना क्रिकेट खेलते खेलते समझ में आया एक्सचेंज इसको कहते हैं यार। वो चार्ट में ना उसी टाइम पे चार्ट खोला उस लड़की का, तब तो समझ में आया कि अरे एक्सचेंज ना, महर्षि पराशर बोल तो ये रहे थे, हम समझते कुछ और थे। फिफ्थ लॉर्ड 11th हाउस में बैठा है, आपका सारा का सारा पुण्य आपके बच्चों के स्पाउस में परिवर्तित हो जाना है। आपके पास जो कुछ भी है ना पूरी जिंदगी में वो आपके पुण्य। आप देख लो आपका फिफ्थ लॉर्ड कहाँ बैठा है, फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में है, आपको स्पाउस आपके पुण्यों की वजह से आप उसमें अवतरित हो जाने, और 7th लॉर्ड फिफ्थ में बैठा है, तो कॉम्बिनेशन खराब है। क्यों? क्योंकि 7th लॉर्ड जब फिफ्थ में आ रहा है तो आपका सारा पुण्य तो आपके स्पाउस को मिलना, आपने जितना पुण्य करना है उसका सारा फल स्पाउस को जाना है। 7th हाउस स्पाउस है सोनम जी। फिफ्थ लॉर्ड लगन में है, बॉडी अच्छी मिलेगी, आयु मिलेगी, बल मिलेगा, वृद्धि मिलेगी, और वहां पे जो साइन बैठा है ना हेमेंद्र, वो सारा आपको पुण्य के जैसे मिल रहा है। और तुम देख लो तुम्हारा जो जन्म है ना फिफ्थ लॉर्ड लगन में है ना, आपका जन्म और बच्चों आपके बच्चों का जन्म किसी ऐसे दिन होगा जिस दिन कोई स्पेशल डे होगा। समझ में आया? यस सर, इट वाज होली सर, एंड माय सन्स बर्थडे वाज सीता नवमी। बताओ पूरा आपके पुण्य के रिश्ते सर। फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में शादी उस दिन होती है जिस दिन कोई बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है उस दिन फिफ्थ लॉर्ड 7th हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड 8th हाउस में हो, इंसान को मरने ही उस दिन है जिस दिन कोई त्योहार है। तुमको यकीन ना हो तुम देख लो चार्ट उठा के। हाँ जी अमित सांगवान, सर एक्सचेंज को हम इस तरह भी बोलते हैं, जो दो लोगों का एक्सचेंज हो, जैसे लगन का लगन कैप्रिकॉन लगन का सैटर्न 10th हाउस में है और उसका लिब्रा का वीनस लगन में है, तो बिल्कुल प्योर एक्सचेंज। आप बोलो 10th लॉर्ड लगन में, लगन लॉर्ड 10th में। सर यस सर, और अब वीनस हाँ 10th में मैं कह है। रहा हूं, कोई भी, मैं तो 5th हाउस का एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया क्योंकि वो कॉम्बिनेशन बोलते हैं राजयोग है।
लेकिन कहीं पे भी एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज का मतलब ही ये है कि आपकी कोई चीज जा रही है और कोई चीज आ रही है। फिफ्थ लॉर्ड एट्थ, एट्थ लॉर्ड फिफ्थ, आप अपने पुण्य से ससुराल का उद्धार करेंगे, आपको अपने सारे पुण्य की वजह से बहुत सारे पार्टनर्स मिलेंगे और उनकी सारी परेशानियां, दुख, दरिद्रता, गरीबी आप अपने सर पे लेंगे। सर यही पुण्य आपके चार्ट के अंदर शील कर देता है। मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ ना वो बहुत डीप है, पर मैं आपको उसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि कई बार मैं ये बोलता हूँ ना किसी क्लाइंट को कि यार देखो तुम, कई बार ना इंसान को ना देखो तेरे पुण्य खर्च होते हैं। प्रियंका जैन फिफ्थ लॉर्ड किधर गया? सर 10,000 है सर, अच्छा, और टेंथ लॉर्ड किधर गया? 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में वीनस टेबुलेटेड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में गया प्रियंका का, प्रियंका को जॉब बहुत अच्छी मिलनी है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे पुण्य इस्तेमाल कर लिए जॉब के लिए, और प्रियंका को लग रहा है मैं अपने काम अच्छा कर रही हूं। अरे तुम अपने पुण्य खर्च कर रही हो किसके लिए? कंपनी के लिए, किसी और कंपनी के लिए? वो तुम्हारा पुण्य ले रहा है, उसके बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है? सेकेंड हाउस, पैसा। ठीक है, और उसके से तुमको मैं क्या मिल रहा है? मैरिड लाइफ खराब। तुम जितना काम करोगी तुम्हारी मैरिड लाइफ उतना नीचे जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पुण्य वहां पे खर्च हो रहा है। बच्चे सर अपने लिए काम कर रहे हो तो अपना ही खुद का काम। अच्छे काम तो कर रहे हैं ना 10th हाउस में, जी पैसा आ जी रहा है ना वहां से। जी कई लोग होते हैं ना वो कहते हैं कि कोई नहीं होता पाप पुण्य, हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, बहुत पैसा आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर उनको क्या समझ में नहीं आ रहा होता कि उनका पुण्य फिफ्थ लॉर्ड ठीक ठाक जगह पे आके बैठा होगा, तो उसको खर्च होने में टाइम लगेगा। आप जब उसको खर्च कर दोगे तो इवेंचुअली आपका डाउनफॉल आएगा। आप अक्यूमुलेट नहीं करोगे रेगुलरली तो परेशानी आएगी। केंद्र के जितने भी घर हैं 1, 4, 7, 10, सारे के सारे रियलाइज किए जा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हाउस बॉडी है, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टीज है, 7th हाउस वाइफ है, 10th हाउस प्रोफेशन है, नेम है, फेम है, 10th हाउस, ये सारे के सारे चीजें रियलाइज की जा सकती है। जब पुण्य से एक्सचेंज हो जाती है तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। जब कभी फिफ्थ या 10th लॉर्ड, सॉरी फिफ्थ या 9th लॉर्ड एक्सचेंज हो रहे होते हैं ट्रांजिट में भी किसी इन घरों में से, तब भी वो चीज मैनिफेस्ट हो रही होती है। जब दशा चल रही होती है तब भी हो रही होती है। क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सचेंज की वजह से आप अपना पुण्य क्षीण करना चाहते हैं? कई लोग होते हैं ना कि वो जितना अच्छा काम करते हैं उतनी बुराई मिलती है। 10th लॉर्ड खराब जगह पे आके बैठा है, पर एक्सचेंज जो है, जो एक छोटा सा टर्म है एक्सचेंज, उसका डीपर मीनिंग ये है, उसका स्टार्टिंग ये है। इंसान बहुत सारी कोशिश कर रहा होता है ना, अगर आप देखो ना, आप बुलिश कब होते हो या गिल्ट फील कब करते हो? जब आपने कुछ गलत कर दिया, कोई ना कोई तो गलती करके आए हो, तभी तो उसको ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो, यहां तक कि उसको ठीक करने के लिए चेष्टा कर रहे हो। और ठीक करने में होता क्या है कि हम ना ओवरली कंपनसेट करते हैं किसी चीज को। जैसे कि अगर हमने आज तक सबके लिए बहुत कुछ खराब किया है, हमने शांति नहीं दी है किसी को, हमने किसी का चैन भंग किया है, तो जुपिटर जैसा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर मिलता है कि अभी आप शांति के लिए जरूरत से ज्यादा कोशिश कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो सबको। जब आप पास्ट लाइफ में मेहनत करके नहीं आते तो सैटर्न रेट्रोग्रेड आपको स्टार्ट में मिलेगा, और उस जगह पे जाके बैठ के मिलेगा जहां पे आप नहीं करके आए काम। सपोज कीजिए आपने अपनी बॉडी के लिए काम नहीं किया तो शनि लगन में वक्री मिलेगा, ताकि इस जन्म में आप ढंग से अपने लिए काम कर पाओ, बॉडी पे ध्यान दे पाओ। इसी तरीके से जब कभी भी वीनस रेट्रोग्रेड मिलेगा वो ऐसे लोगों को मिलता है जिनको अंडर वैल्यू सिस्टम्स होते हैं, तो ओवरली कंपनसेट करते हैं अपने आप को वैल्यूबल बनाने के लिए, या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली प्राउड ही रहे होंगे पास्ट लाइफ में, तो इस टाइम पे अंडर वैल्यूड हो गए हो। और इन सारे सिग्निफिकेशंस के अंदर ये बात पक्की है कि कोई भी जो प्लैनेट है वो आइसोलेशन में काम करता है। आप सोचो कि आप में से कोई व्यक्ति, जैसे कि सपोज करो मेघा है,
मेघा अगर एक रूम में बैठी है, एक ही घर में बैठी है, और मेघा ना अपने बाल खोल के सर हिलाना चालू कर दे, उसके अंदर वक्र एनर्जी आ जाए, तो बाकी सारे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। उसी तरीके से जब कोई ग्रह वक्री होता है जिस भी घर में, पहली चीज वो आइसोलेशन में काम करता है, वो किसी और की नहीं सुनता, उस बंदे तक पियर्स करवाना चीजों को बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज उसके साथ के बैठे हुए ग्रह भी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि सूर्य के साथ बैठा हुआ अगर बुध वक्री है, ऐसा व्यक्ति अपने आइडियाज की वजह से बॉसेस के सामने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स बनने की कोशिश करता है और बॉस उसको निगलेक्ट करता है, क्योंकि वो एम्बैरसमेंट का कारण बनते हैं। बुध जहां जहां पे भी वक्री होता है वहां वहां पे एम्बैरसमेंट देगा, वक्री ग्रह एम्बैरसमेंट का कारण बनेंगे। और तो और वक्री ग्रह के जितने भी सिग्निफिकेशंस है, सिग्निफिकेशंस की जब मैं बात करता हूं, जैसे बॉडी है, सपोज करो किसी के तीसरे घर में, थर्ड हाउस में वक्री ग्रह बैठे, ऐसे इंसान की वॉइस, गाना गाने का तरीका, बात करने का तरीका, थॉट प्रोसेस, राइटिंग, हैंड राइटिंग, नाम, सबका सब एम्बैरसमेंट का कारण बन जाएगा, या ये स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि इसको अलग दिखना है। इस ग्रह की एक ही तमन्ना है, मुझे अलग दिखना है, और मैं अपने सारे सिग्निफिकेशन यूज करूंगा अलग दिखने के लिए। शुक्र वक्री है, मैं इतना पाउडर लगा के जाऊंगा, मैं इतना परफ्यूम लगाऊंगा कि फायर अलार्म बज उठे, पर मैं ये काम इसी तरीके से करूंगा। बृहस्पति वक्री है, मेरे को स्पिरिचुअलिटी में वो दिखाना है जो किसी ने नहीं दिखाया आज तक। अब जिस जिस हाउस के मालिक वक्री हो रहे, जैसे कि छठे घर का मालिक अगर वक्री हो रहा है, ऐसा व्यक्ति लड़ते वक्त स्टैंड आउट करता है। इसके लिए एक रूल बताता हूं, जब कभी भी 12th हाउस के ना बेनिफिक्स होते हैं ना, बेनिफिक्स, ऐसे बंदे का गॉडफादर होता है कोई ना कोई, ऐसे बंदे के पास ऊपर हमेशा कोई ना कोई बंदा आता है और बोलता है, आप देख लो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना जिनका पाइसिस में बेनिफिक है, तुमको हमेशा कोई ना कोई बड़े बंदे का सपोर्ट मिलेगा, और यहां पर अगर मैलेफिक्स आ जाए तो आपको पता है कि यहां पे आपको अपने सीनियर्स का सपोर्ट नहीं मिलना। कितने लोगों का मैलेफिक्स हमारे उसमें, मैलेफिक्स 12th हाउस, नहीं मिलना, सपोर्ट नहीं मिलना सीनियर्स का। और अगर यही यहां पे बेनिफिक्स आ जाए 12th हाउस में, आपको आपने कदम रखना है और आपको सीनियर्स का सपोर्ट आना है। मेलिफिक्स बेनिफिक्स बहुत ठीक है, अपोजिशन हेल्प दोनों मिलेगा। हाँ जी राजेश जी, पूछ लीजिए क्वेश्चन। ओके, नमस्ते दीपांशु जी, गुड नमस्ते राजेश जी, कैसे हैं आप? मॉर्निंग। सो दीपांशु जी, ये आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे आपने कहा कि जैसे अगर 12th में आ जाए तो ये 12th राशि भी होगी या 12th हाउस के हिसाब से आप कह दोनों रहे में हैं कि काम अगर मान करता है लीजिए सर, 12th राशि दोनों में किसी, काम करता दोनों में, है। मैं भी आऊंगा, जब टाइम लेट्स से मिले अगर आऊंगा। 12th राशि, जैसे अगर आपने कहा मान लीजिए कहीं किसी मान लीजिए 7th हाउस में है तो भी करेगा ये? बिल्कुल। ओके अच्छा सर, एक चीज और अच्छा पूछ अब लीजिए मान लीजिए आपने, जैसे आपने पाइसिस, जो, मैं सुन लो सुन लो, सो क्वेश्चन तो सुनो, पूरा क्वेश्चन पूरा आंसर तभी समझ में आएगा। हाँ जी, आपने पूछा कि पाइसिस 7th हाउस में है, ठीक है, अब गॉडफादर की हेल्प कहाँ मिलेगी? मैरिज में मिलेगी, पार्टनर्स में मिलेगी, ठीक है। यही पाइसिस आपका 9th हाउस में चले आएगा तो टीचर्स के थ्रू मिलेगी, 5th हाउस में आएगा तो स्कूल के अंदर मिलेगी और स्टूडेंट्स के थ्रू मिलेगी, सबऑर्डिनेट्स के थ्रू मिलेगी, ठीक है। वेरी वेरी करते हो, चलो सर एक और पूछनी थी आपके, जो एक और लेक्चर में आपने शुरू में बोला था जो आपके रेट्रोग्रेड प्लैनेट सीरीज में थे कि जैसे अगर बेनिफिक्स हो ट्राइन में, जैसे विच इज 159, अभी तो तो अभी रेट्रो अभी प्लैनेट, आएंगे आएंगे, सब्र, अभी तो मैं आपको बेसिक्स फाउंडेशन सिखा रहा हूं,
ओके ओके श्योर. रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब कभी भी बेनिफिक्स बनते हैं. अब बेनिफिक्स का अपना तरीका है चेष्टा करने का, उनके अंदर जितनी ताकत है जो उनका स्ट्रेंथ है. आप सोचो कि मैं आपको ताकत दूं और यही ताकत मैं ऐसे व्यक्ति को दूं जो एक्सट्रीमली क्रूअल है. एक पुलिस वाले को ताकत मिले, एक जज को मिले और एक पेंटर को मिले, एक सिंगर को मिले. हर किसी का अपना ताकत दिखाने का तरीका है. हर किसी के पास, अगर मैं पैसा इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करूं, हर कोई पैसा अलग अलग तरीके से खर्च करता है. कोई बुक्स पे करता है, कोई गाड़ियों में करेगा, कोई घर में करेगा. ठीक है, वक्र एनर्जी भी इसी तरीके से है कि मेरे जिस भी हाउस में बैठा हूं, मैं जिस भी हाउस से लेकर आया हूं एनर्जी, मैं उन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और अपने तरीके से करूंगा. ये कोई भी ग्रह करता है, चाहे वो वक्री हो या नहीं हो. बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जब चेष्टा करता है ना, तो बृहस्पति की चेष्टा ही अपने आप में देखने लायक है. क्योंकि 90% चार्ट्स में आपको बृहस्पति पैसिव मिलेंगे. पैसे मतलब वो काम नहीं कर रहे. आप देखो ना कि लाइफ के अंदर भाग्य का स्वामी नाइन्थ लॉर्ड इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन द चार्ट. महात्मा गांधी के चार्ट में नाइन्थ लॉर्ड के एंगल में सारे प्लैनेट्स हैं. दैट्स व्हाई इज महात्मा गांधी. अमिताभ बच्चन के चार्ट में भी नाइन्थ लॉर्ड के एंगल में आपको प्लैनेट्स मिलेंगे. आपने कभी भी, मैं आपको एक क्लू देता हूं, आपको देखना होना कि सुपरस्टार्स के चार्ट क्या होते हैं. आपको ये देखना होना कि ओशो के चार्ट में क्या खास है. आपको ये देखना होगा अडॉल्फ हिटलर के चार्ट में क्या खास है. अडॉल्फ हिटलर का तो वीनस रेट्रो 8th हाउस है, पर आपने देखना होना कि ये बंदा इंसान बड़ा बनेगा या नहीं बनेगा. बहुत सिंपल सा. और इस बात को मैं डिग्री सिस्टम में अभी पढ़ाऊंगा, इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पर क्लू बोलता हूं, उनकी डिग्रीज बहुत ध्यान से देखिएगा. नरेंद्र मोदी के चार्ट में आपको 3 ग्रह 0 डिग्री, 1 ग्रह 29 डिग्री के आसपास का मिलेगा. ओशो के चार्ट में सेम रिपीटिशन है. अमिताभ बच्चन चार्ट सेम रिपीटिशन है. सारे ग्रह आसपास की डिग्री के मिलेंगे. क्यों मिलेंगे? क्या होता है आसपास की डिग्री के प्लैनेट्स होने से? एक प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा है, दूसरा फिफ्थ में बैठा है, तीसरा सिक्स्थ में बैठा है. क्या होता है आसपास की डिग्री में बैठने से? अगर मेरे को सपोर्ट मिल जाए, सपोज करो चंद्रमा है 25 डिग्री का, उसके ट्राइन में शुक्र आ जाए 25 डिग्री का, 24 डिग्री का, 23 डिग्री का, 28, 26 डिग्री का, आसपास की डिग्रीज का, उसी के ट्राइन में सैटर्न आ जाए सेम डिग्रीज में 22 से 26 डिग्री के आसपास का, आप उस बंदे की वेल्थ देखना, करोड़पति आदमी किसी भी चार्ट में. क्यों? वीनस सैटर्न वेल्थ देते हैं और मून को सपोर्ट कर दिया है, ये तो करोड़पति का चार्ट बन गया. स्लोली मैं बता रहा हूं, मेरे को ये टेक्निक कहां से मिली. आप ना बुक्स नहीं पढ़ते, मैं रिकमेंड करता हूं आपको, केन राव साहब की एक बुक है अमिताभ बच्चन के चार्ट के ऊपर. उन्होंने एक लाइन लिखी और भूल गए, उन्होंने कहा देख लो जाके. उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, आधी लाइन में पता क्या लिखा है? सिर्फ ये लिखा है लुक एट द डिग्रीज क्लोजली, कुछ नहीं बोला और, दैट्स इट. लुक एट द डिग्रीज क्लोजली. वो दिन था और आज का दिन है, मैं हर बार डिग्री देख रहा हूं कि ये डिग्रीज काम कर रही है क्या, डिग्रीज काम करती है. लुक एट द डिग्रीज क्लोजली, और कोई है ही नहीं उसके अंदर उस लाइन के लिए. वो कहते हैं जाओ ढूंढो, अपने आप ढूंढना, मैं नहीं बताता. उनकी बुक्स में इतना खजाना ना, मतलब वीनस इन लियो एस्पेक्टेड बाय सैटर्न इज अ राजयोग. नाउ यू थिंक व्हाई इट्स अ राजयोग, क्योंकि शुक्र अपने घर से 11वां गया है और वो गर्म घर में गया था, बर्बाद हो रहा था, लेकिन शनि की दृष्टि ने उसको बचा लिया है. ये तो किसी भी राजयोग का प्रिंसिपल है ना, कि कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो उसको उसका दोस्त देख ले, इन दोनों में से एक आध एक्सोल्टेड हो जाए, स्पेशल पोजीशन में चले जाए, चेष्टा बली हो जाए, दिग बली हो जाए, दृग बली हो जाए, राज्यों क्रिएट कर देता है. देखो गोल्डन सूत्र है एक लाइन के अंदर. कौन सी बुक मैम? मैम मेरे को याद नहीं, मैं 3 साल पहले पढ़ी थी, पर मैं लगातार पढ़ता हूं. पर एक केन राव साहब की बुक है, इतना मेरे को याद था.
और अमिताभ बच्चन के चार्ट में क्या, उन्होंने बहुत बुक्स में डिस्कस किए, एक बुक में डिस्कस नहीं किया, अमिताभ बच्चन और इंदिरा गांधी का चार्ट लगभग उन्होंने हर एक बुक में डिस्कस किया है। तो जुपिटर आपको पैसे मिलेगा मोस्टली चार्ट्स में, क्योंकि लोग ना गुरु का, गुरु नाइन्थ लॉर्ड है, नेचुरल नाइन्थ लॉर्ड है, एक्सट्रीमली बेनिफिक है, और ऐसे लोगों को ना, मतलब जुपिटर ना 90% लोगों को पता नहीं होता क्या कर सकते हैं उनकी जिंदगी में, वो अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि एक मिनट के अंदर ना गुरु जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक आइडिया देता है, एक आइडिया, एक विचार, सबसे कीमती चीज पूरी दुनिया की, एक विचार, और उस एक विचार से आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और उसी उसी प्रोसेस को करवाने के लिए ना गुरु क्या करते हैं, तभी ना गुरु मिलना बहुत मुश्किल काम बताया गया, ऐसे मिलता नहीं गुरु कोई, हर कोई गुरु बनना चाहता है पर गुरु मिलता नहीं, परेशानी ये है, गुरु मिल जाए तो भाग्य सुधर जाए। तो नाइन्थ लॉर्ड जब नेचुरल जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा हो तो ये बहुत अच्छा सिग्निफिकेशन है कि एटलीस्ट वो एक्टिव स्टेट में तो है, चाहे वो अच्छा करेगा या बुरा करेगा इवेंचुअली आपको फायदा पहुंचाएगा। सर वन मोर, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, आई हैव डन द एसेंशियल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाउंडेशन लेवल एंड बेस्ड ऑन सिटीज आई हैव प्रेडिक्टेड एग्जाम क्वेश्चन पेपर फॉर माय डॉटर, शी इज इन 8th क्लास, सो all the, I mean the way the prediction went on, the questions were in the same manner. So now her finale, okay. Final exams are there, so she's asking me, so tell me now what kind of questions I will get. Asked to me, I said it was a social history paper. I said all fights, all the emperors fighting, such kind of questions only you will get. And then Navami Siti, I said, see that who, next paper was something geography, maths paper was like excellent. I said, it was an Amavasya or Purnima. I said, extreme way the question paper will go, from all the lessons, you'll get all the questions. So prepare. And I made her sit and do it in the same manner. And it really worked out. And I see your predictions on Telegram every day. And in the same manner, I started predicting my days also, how it is going to go. And to my friends also, I suggested, so they could make out which Siddhi is not working for them. And accordingly, remedies with your blessings and guidance. It's really, I mean, it's an awesome course. Thank you so much. Wonderful. I'm really happy to hear this, that you're predicting. Let me try this as well on my kids' question papers. Sir, आपका जो वो पंचांग, जो वो पंचांग पाठ है सर, मैंने बहुत ट्राई किया था पंचांग कहीं कहीं से पढ़ने के लिए, बुक्स में से और बहुत सारी जगह से, वीडियो से, लेकिन आपने जो वो सिखाया है essentials course में, it is, it's just sir, it's out of this world. मतलब वो कुछ अलग ही लेवल है सर, amazing है सर, इंटरनेट ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रिसिटी इशू तो इतनी बार मैच होता है ना, मतलब स्पेल बाउंड रह जाते हैं, ये कैसे मैच हो रहा है, इंटरनेट शटडाउन। I was essentials course student and it really bang on, it's really bang on. Panchang is like one of my favorite course now among them. I think the best course which I've delivered, I've, for my, if you ask me personally, I have two course favorite. One is predictive one, another is Yogini. These two for me are the best courses. Yes, sir. Yogini. I mean, see, Yogini ka deliver the best. Yogini mein sir, yes. Aapne sab kuch bata diya, almost sab kuch. Because that's a timing, na. That's how you time the events in Yogini or Vimshottari. Basically, naam Yogini hai wo, but uske उस कोर्स के अंदर इफ यू सी विमशोत्तरी कवर्ड है, रेमेडीज कवर्ड है, प्रेडिक्टिव वन मैं बोलता हूं अब तक का बेस्ट कोर्स है, क्योंकि ना वो एक तो इतना लंबा था, इवन दैट आई एंजॉय, इवन दैट आई एंजॉय टोटली सर। आई एनरोल्ड फॉर प्रेडिक्टिव वन, एवरी टाइम आई हैपन टू सी द वीडियोस अगेन, देयर सम न्यू लर्निंग, आई हैव कंप्लीटेड इट लाइक 3-4 टाइम्स। Let me be honest with you. I also listened to my course again and again. Because the thing is, जब मैं बोल रहा होता ना, I never plan things. मतलब इस book में ऐसे points लिखे हैं, और इतने points लिखे जितना मैंने पढ़ाया है अभी. It just goes unplanned. Line by line lesson. That is what the beauty of the courses are. Your line by line. 2 days back. Every days back. Every lesson takes almost half notebook. Sir, actually even I have notes like ma'am. मैंने मतलब टाइप किया हुआ है और जैसे एक लेक्चर के 12-15 पेजेस टाइप हो जाते हैं सर, जैसे ट्रांसक्रिप्ट है वो पूरा, आप जो भी बोल रहे हो
सर ये उसी योग में आई हैव सजेस्टेड समबडी टू गो फॉर अ मेडिकल सीट देयर डॉटर गॉट अ नीट में बड़ा सा रैंक तो ही प्रे टू अय्यप्पा गॉड ऑन दैट पर्टिकुलर डे सिद्धि योग 1000 एंड फॉर्चुनेटली लास्ट सीट शी गॉट सर पेमेंट में पर वो लास्ट सीट उसको मिल गया It's a carat, 6 to 7 carats in gold in the index finger. Citrine should not cost you much. It is, I think, a very cheap stone. Do not spend much on it, and it will work.